सुबह से घर से बाहर निकली थी, आज मुझे कहीं जाना था, किसी के वेट करके, उसके चैम्बर में वेट करके इतना घंटा लग गया। बाप रे बाप, बाप रे बाप, और इतनी गंदी वाली गर्मी है ना। पार्किंग में जहाँ गाड़ी लगाई थी ना, वो कई कई लाइनें हैं, तो मैं इस वाली लाइन में गाड़ी लगा के और इस वाली लाइन में सबका दिमाग ख़राब कर दिया कि मेरी गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई। फिर उसने रिमोट लेके, रिमोट दबा के गाड़ी ढूंढा पार्किंग वाले ने, तब गाड़ी मिली। और शुक्र है मेरी गाड़ी में पानी रखा हुआ था। आप लोग भी पानी घर से लेके चला करो, एक तौलिया और एक पानी और सैनिटाइजर और मास्क, ये सब लेके चला करो, बहुत सहूलियत होता है। जहाँ मैं बैठी हुई थी, एक घंटा हो गया था और पानी तो मिला नहीं वहाँ पे। फिर गाड़ी में आके फिर मैंने देखा पानी गर्म नहीं हुआ था, फिर पानी पिया। अब आई हूँ तेल भरवाने के लिए, अब तेल डलवाऊँगी। तेल डलवाने के बाद फिर ये थ्रेडिंग करवाऊँगी, बहुत सारे बाल बढ़ गए हैं इसके। थ्रेडिंग करवा के फिर वो छोले कुलचे खाऊँगी, छोले कुलचे खा के सेक्टर 14 जाऊँगी। ये वाली बालियाँ हैं मेरे पास, सिंगल वाली यही वाली बची है, और बालियाँ हैं नहीं मेरे पास। तो आज मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, अगर ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं सीधा घर भागूँगी। और 2 बजे किसी को मिलना है तो फिर देखती हूँ, किसी का फ़ोन आएगा फिर फ़ोन आने के बाद मिलूँगी उनको, तो अगर मिलना हो पाएगा तो मिलूँगी, अदरवाइज घर जाऊँगी। चलिए मिलती हूँ आपको। 2008 मॉडल है मेरी गाड़ी, बहुत पुरानी है, मैंने सेकेंड हैंड ही ली थी। और इसका एवरेज पता है कितना है? 14 या 15 एवरेज है। एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ मथुरा में, मैंने 2000 का तेल डलवाया था, मथुरा से मैं आगरा गई थी और आगरा से सीधा गुड़गांव आई थी, और पूरा तेल में हो गया था और थोड़ा सा तेल था भी इसमें। तो अब सोच लो कितना एवरेज देता है, बहुत ज़्यादा एवरेज देता है। तो ये तो क्या ही नई गाड़ी का एवरेज देगा जो इतना देता है। सेक्टर के हिसाब से चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है, रेट में फ़र्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ 100 रुपये का 1.5 किलो आम दे रहे हैं, और वही आम 1 गाड़ी वाला पता नहीं यहाँ से कैसे निकला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुराना है कि नया है। जो आम वहाँ पे हमारे यहाँ दे रहा है 100 रुपये का 1.5 किलो, यहाँ 1 किलो दे रहा है 100 रुपये का। सौ रुपये का 1 किलो दे रहा है, और हमारे बब्बू गोश्त इतने बड़े बड़े हैं, वो दे रहा है 100 रुपये का। और इसमें ये ज़्यादा साइज का बड़ा भी नहीं है, इतना इतना बड़ा बड़ा है बस। ये भी 100 रुपये का ही दिया है। और कहते हैं सदर का जो मार्केट है वहाँ पे सब्जी और फ्रूट सारी सस्ती मिलती है, कोई सस्ती नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगा रेट मैंने वहीं पे देखा, वहीं पे रेट महंगा लगा रहे थे। और 100 रुपये का बब्बू गोश्त है तो 180 का 150 का ऐसे ऐसे करके रेट लगा रहे थे। तो मैंने लिया नहीं, मतलब यहाँ आके लिया तो मेरे को ठीक मिला, नहीं तो शाम को फिर मैं वहीं से लेती घर के पास से। और आम भी बहुत महंगा था, यहाँ पे 100 रुपये का किलो दे रहा था, और हमारे यहाँ तो 100 रुपये का 2.5 किलो, 2.5 किलो आम बचा हुआ था। तो मैंने सोचा क्या ही लेना है अभी आम, तो मैंने लिया नहीं। अब मैं आ गई हूँ छोले कुलचे वाले के पास, बस छोले कुलचे खा के फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? देखो बारिश का मौसम हो रहा है, गुड़गांव में बारिश हो नहीं रही है काफी दिनों से, अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बाकी सुबह सुबह उठ के मैंने कुछ खाया भी है, और पानी का फिल्टर खराब हो गया था, लाइट नहीं आ रही थी उसकी, तो इसको फ़ोन किया है, अभी आने वाला है वो। पानी के बगैर बड़ी परेशानी हो रही है, पानी की लाइफ लाइफ में कितनी ज़रूरत होती है वो, जब फिल्टर ख़राब होता है ना तब तो पता लगता है। आप नलके का पानी तो पी नहीं सकते हो, तो फिल्टर तो बहुत ज़रूरी है ना। तो उसको बुलाया है अभी, वो आएगा, अभी आएगा फिर करके जाएगा, फिर पानी भरूंगी। मैंने बनाया आलू बैंगन का सब्जी और एक पराठा, आ जाइए जिसको खाना है, लंच टाइम हो गया है। लस्सी आज थी नहीं, ख़त्म हो गई,
दूध वाले को बोल के तो आई हूँ, लेकिन पता नहीं लिफ्ट ख़राब हो रहा था मेरा, तो मैं जा नहीं पाई हूँ लेने के लिए, तो शाम को लेके आऊँगी। बाकी सोचा था बाहर बैठ के खाऊँगी, लेकिन बारिश मेहरबान हो गई है, नहीं बैठा जा सकता है, बैठ सकते हैं। बाकी मैं बाहर ही बैठ गई हूँ खाने के लिए, बारिश का मज़ा लूँगी और खाना खाऊँगी। आ जाइए आप लोग भी, आपके शहर में भी बारिश हो रही होगी, हमारे यहाँ तो देखने को मिल गया है। धन्य है ऊपर वाला जो हमें भी बारिश दे दी। ओ मेरे ऊपर तो आ गया पानी, छा गया, खाने पे भी आ रहा है, देखती हूँ कितनी देर बैठ पाऊंगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे। हाय गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। छोटी सी मैंने कोशिश करी थी टाइम निकाल के एंटरटेन करने के लिए, पता नहीं आप लोग होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे नहीं मालूम। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बाकी अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।